हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सोशल साइंस क्लास ऑफ ग्रेड 10। वी आर डूइंग द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, दैट इज़ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस द टॉपिक, दैट इज रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। अंडर दिस टॉपिक वी हैव स्टडीड अबाउट हाउ द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अरोज विद द हेल्प ऑफ आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक, and also discuss about the role of German philosopher John Gottfried Herder in arising the feeling of nationalism among the people. He stressed on the folk song, folk dances, folk poetry, etc. They also increase the spirit of nationalism among the people. In this topic, the next part is our vernacular language. Means vernacular language, they also help in arising the feeling of nationalism. What is the meaning of the vernacular language? Vernacular language means the local language of any area. जो किसी area की local language होती है उसे हम कहते हैं vernacular language. For example, अगर हम देखा जाए तो India में जो language है हिंदी, जो पूरे nation में बोली जाती है, that is the national language of India. But गुजरात में देखा जाए तो गुजराती language बोली जाती है, that is the वर्नाकुलर लैंग्वेज ऑफ गुजरात। महाराष्ट्र में मराठी है, दैट इज़ द वर्नाकुलर लैंग्वेज। तो वर्नाकुलर लैंग्वेज ने किस प्रकार हेल्प की नेशनलिज्म की फीलिंग को राइज करने में, इसमें हम पोलैंड के बारे में पढ़ेंगे कि पोलैंड में वर्नाकुलर लैंग्वेज, दैट इज़ द लैंग्वेज ऑफ पोलैंड, दैट पोलिश, उस लैंग्वेज ने किस प्रकार पोलैंड में नेशनलिज्म की फीलिंग जगाई। जैसा कि हमने पीछे पढ़ चुके हैं कि पोलैंड जो एरिया था वहाँ पर रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया अलग अलग पावर का कंट्रोल था, और धीरे धीरे पूरे एरिया पोलैंड पर रशिया ने उसे कैप्चर कर लिया था। तो वहाँ पर उसने अपनी लैंग्वेज यानी रशियन कल्चर, रशियन लैंग्वेज इम्पोज कर दी थी। ऑल द पीपल हैव टू फॉलो द रशियन कल्चर एंड द रशियन लैंग्वेज, स्कूल, कॉलेजेस, सब जगह रशियन लैंग्वेज ही यूज़ की जा रही थी। तो इसके अगेंस्ट, रशियन लैंग्वेज के अगेंस्ट, रशियन डोमिनेंस के अगेंस्ट जो पोलैंड के लोग थे, उन्होंने एक रेबिलियन, एक रिवोल्ट किया था 1831 में। और पोलैंड एक छोटी सी कंट्री था, इतना पावरफुल नहीं था, क्योंकि इस बड़ी बड़ी पावरफुल जो कंट्रीज़ हैं उनके अगेंस्ट रिवोल्ट कर सके, वॉर कर सके। तो इसलिए उन्होंने कौन सा रास्ता चुना था, दैट इज़ द यूज़ ऑफ वर्नेकुलर लैंग्वेज। उनकी डेली लाइफ में, ऑफिस में, स्पीचेस में, हर जगह, स्कूल, कॉलेज में, दे स्टार्ट यूजिंग द पोलिश लैंग्वेज। इवन द गैदरिंग ऑफ द चर्च, चर्च में जो लोग गैदरिंग होती थी, द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जाती थी, दे यूज्ड द पोलिश लैंग्वेज। As a result, large number of priests, bishops were put to jail and sent to Siberia by Russian. तो रशियन लोगों ने जो भी priest थे या bishop थे, pope थे, उनको Siberia जेल में भेज दिया। Means हम ये कह सकते हैं कि nationalism की feeling arose करने में वहाँ की जो vernacular language भी support करती है, उसका भी use किया जा सकता है। And culture, language, folklore, the etcetera, they help in arising the feeling of nationalism among the people because they feel they are the common bond among them. Next topic is our hunger, hardship, popular revolt. एक तरफ तो nationalism की feeling जो अलग अलग हम use कर रहे थे अपना art, culture, उसके through ये nationalism की feeling arise करने की कोशिश की जा रही थी। Another problem that the Europe has to face at that time is, that is the हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। हंगर, हंगर का मीनिंग क्या होता है कि भूखमरी। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी तो लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा था, एंड दे हैव नो जॉब्स, उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, काम नहीं था, जिस कारण से उनके पास पैसे की कमी थी, जिससे अपने वो डेली नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे थे, और दे हैव टू मूव टू द सिटीज़, और सिटीज़ में जाकर उन्हें छोटे छोटी बस्ती में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था, एंड दे हैव टू फेस अ सो मैनी हार्डशिप्स। इससे रिलेटेड क्या रिवोल्ट्स हुए, दैट इज़ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर। ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप वर एक्सपीरियंस इन यूरोप, द रेशियो ऑफ द राइज ऑफ पॉपुलेशन वॉज लार्जर दैन दैट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन।
जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही थी उतनी एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर नहीं थी, लोगों को काम काज नहीं मिल रहा था, जिस कारण से लोग सिटीज़ की तरफ माइग्रेट होते जा रहे थे और सिटीज़ ओवर क्राउडेड हो रही थी। दे हैव टू लिव इन द स्लम एरिया। स्लम एरियाज मीन जहाँ पर कोई वाटर फैसिलिटीज़ नहीं है, प्रॉपर हाइजीनिक नहीं है, तो ऐसे एरियाज़ में रहने को मजबूर हो रहे थे। सेकेंड प्रॉब्लम वो द स्मॉल प्रोड्यूसर इन द टाउन्स, बिकॉज इंग्लैंड में या दूसरी कंट्रीज़ में क्या हो गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण वहाँ से मशीन मेड गुड्स बननी स्टार्ट हो गई थी, और मशीन मेड गुड्स क्या होती थी, दे वर चीप एज कम्पेयर टू द हैंडमेड गुड्स। हाथों से बनी जो भी वीवर्स बनाएंगे, हाथों से बनाएंगे तो वो थोड़ी महंगी होती हैं, और मशीन मेड गुड्स क्या होती है, चीप होती है, जिसका कंपटीशन का सामना भी उन्हें करना पड़ रहा था, जिस कारण से मुश्किलें ज़्यादा बढ़ती जा रही थी उनकी लाइफ में। और उन दिनों बैड हार्वेस्ट के कारण, अच्छी फसल ना होने के कारण भी फूड के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए थे। तो इस सिचुएशन में जो सबसे पहले रिवोल्ट हुआ, दैट इज़ इन फ्रांस इन 1848, जो बहुत ज़्यादा फूड की कमी होती जा रही थी, लोगों को काम काज नहीं मिल रहा था, दैट वाज़ द मेन प्रॉब्लम ऑफ द पेरिस। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, जुलाई रेवोल्यूशन में पढ़ा था कि फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया गया था, और वहाँ का जो नया राजा बना था, दैट इज़ द लुइस फिलिपी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। तो सभी लोग, जब वहाँ पर भुखमरी फैल चुकी थी, लोगों को काम नहीं मिल रहा था, तो लोग सड़कों पर इकट्ठा होना शुरू हो गए। तो उस समय लुइस फिलिपी को लगा कि इस समय फिर से दोबारा रिवोल्ट हो सकता है, जैसा कि पहले बेस्टाइल का फोर्ट जो उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था, वैसे ही दोबारा हो सकता है। तो लुइस फिलिपी अपनी कंट्री छोड़कर भाग गया। इस समय जब वहाँ पर कोई अब किंग नहीं है, तो वहाँ पर कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा, तो उस समय नेशनल असेंबली है जो फ्रांस की डिक्लेयर करती है फ्रांस को रिपब्लिक। तो एट लास्ट द फ्रांस बिकम द रिपब्लिक स्टेट। रिपब्लिक का मीनिंग होता है कि वहाँ का जो हेड होगा वो इलेक्टेड होगा, मींस इलेक्शंस करवाए जाएंगे। अब इलेक्शंस करवाने हैं, तो इलेक्शंस करवाने के लिए वहाँ पर उन्होंने लोगों को वोटिंग का राइट दिया, और वोटिंग का राइट सबको दे दिया गया, ऑल मैन अबव द 21 एज, जिनकी भी एज 21 से ज़्यादा है उन सबको वोटिंग का राइट दे दिया गया है। इलेक्शंस होंगे, और इलेक्शंस में वो अपने हेड को इलेक्ट करेंगे। इट मीन्स नाउ द फ्रांस बिकम द रिपब्लिक, दैट इज़ द नेशन स्टेट। नाउ राइट टू वर्क वॉज ग्रांटेड, क्योंकि उनके यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही थी, फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम थी, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी, इसके लिए राइट टू वर्क दिया गया। मीन्स जो भी कैपेबल है, जिसमें स्किल्ड है, उसको कोई ना कोई काम दिया जाएगा। इसके लिए नेशनल वर्कशॉप प्रोवाइड करवाएगी, वहाँ पर स्किल के अकॉर्डिंग लोगों को काम दिया जाने लगा। दैट्स अबाउट द नेशनल रिवोल्ट ऑफ 1848 इन फ्रांस। इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टडी अबाउट द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स 1848। आई होप टुडेज़ लेक्चर इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस video.